अब क्योंकि यहाँ पर हमने निवृत्त या मृत साझेदार के लिए सीधे अकाउंटिंग कर दी, खाता बना दिया, मान लीजिए यहाँ पर हमको जनरल एंट्री भी करनी है, तो हम उस खाता हमने जो बनाया है, अकाउंटिंग हमने जो की है, उसी कंसेप्ट को हम फॉलो करते हुए जनरल एंट्री भी कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में जो छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें बड़े खाते बनाने न कहकर छोटी प्रविष्टियों के बारे में कहा जाता है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर कुछ जनरल एंट्री फॉलो पास कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर निवृत्त साझेदार को एक मुश्त भुगतान नहीं करते हैं और उसका ऋण खाता खोल देते हैं, तो हम जनरल एंट्री यहाँ पर करते हैं निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता डेबिट और ऋण खाता से, या निवृत्त साझेदार के ऋण खाता से। अब क्योंकि हमको ये जो हमने ऋण खाता बनाया है वहाँ पर हमने ब्याज का भी भुगतान हमको करना है, तो साथ में हम ब्याज की एंट्री भी पास करते हैं, ब्याज खाता डेबिट निवृत्त साझेदार के ऋण खाते से, क्योंकि ये जो ब्याज है वो ऋण की राशि पर मिलना है। साथ ही हम एक एंट्री देखते हैं कि निवृत्त साझेदार का ऋण खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाता से। जैसे जैसे हम उसको भुगतान करते जाते हैं, उसकी जो ड्यू अमाउंट है उसका ऋण का जो हम भुगतान करते जाते हैं, वैसे वैसे हम इस एंट्री को बार बार निवृत्त साझेदार का ऋण खाता डेबिट रोकड़ या बैंक खाता से, इस एंट्री को हम पास करते जाते हैं। कई बार निवृत्त साझेदार को या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी को इन्हीं राशियों का भुगतान विपत्रों के माध्यम से भी किया जाता है। हमने पिछली कक्षाओं में देय विपत्र, प्राप्य पत्र के बारे में पढ़ा था, जिन्हें हम विनिमय विपत्र कहते हैं। तो विपत्र के द्वारा भी हम बहुत सारे जो ड्यू अमाउंट है उसकी पेमेंट हम करते हैं। तो अगर ऐसी दशा बनती है जहाँ पर विपत्र के द्वारा राशि का भुगतान किया जाता है, तो वहाँ पर हम जो जनरल एंट्री पास करेंगे वो होगी निवृत्त साझेदार का पूंजी खाता डेबिट देय विपत्र खाता से। तो जिस तरह से हमने अकाउंटेंसी वहाँ पर की है, अकाउंट खाते का निर्माण किया है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हम जनरल पोस्टिंग भी इसके आधार पर कर सकते हैं। अब इसी प्रक्रिया को अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो निवृत्त साझेदार है या मृत साझेदार का उत्तराधिकारी है, उसको ये जो ऋण की राशि होती है उसका भुगतान वार्षिकी किस्तों में किया जाता है, तो यहाँ पर हमको वार्षिकी उच्चांत खाता बनाने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हम क्या करते हैं कि जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है, उससे पहले जो भी समझौता हुआ रहा होगा संलेख के अनुसार, उस समझौते के अनुसार यहाँ पर कुछ सीमित वर्षों को हम निर्धारित कर लेते हैं और साल दर साल हम जो भी उसमें अमाउंट आती है, जो उसके हिस्से की राशि आती है, वो हम भुगतान करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमको एक नए वार्षिकी उच्चांत खाते का निर्माण करना पड़ता है। हालांकि इसके पहले पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ पर बस हमको ये ध्यान रखना है कि जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसको देय राशि के जो अमाउंट है वो उसके पूंजी खाते के क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी, यानी कि उसका जो पूंजी खाता है वो समाकलित किया जाएगा। अब यहाँ पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम बनाएंगे और उनमें जो शेष आएगा, उन शेष के आधार पर जब हम पूंजी खाते का निर्माण करेंगे, तो आगे आने वाले प्रश्नों में एक नया टॉपिक जुड़ जाएगा जिसे हम बोलेंगे पूंजी का समायोजन। व्यवहारिक जीवन में अगर हम बात करें तो जब साझेदारी में एक साझेदार फर्म से अलग हो जाता है, तो हमने देखा कि साझेदारों का जो शेष साझेदार है उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात जो है वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर कुछ दशाएं जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि अवकाश ग्रहण करने की दशा में या मृत्यु की दशा में, दोनों ही दशाओं में जो उनका लाभ हानि विभाजन का अनुपात साझेदारों का जो रहता है वो, एक तो प्रश्न में आप देखते हैं कि लाभानुपात दिया हुआ रहता है, अगर उसी अनुपात में हमको पूंजी का समायोजन करना है, लेकिन इस संबंध में अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है तो पूंजी खाते का जो बैलेंस आता है, जो शेष आता है, उसी बैलेंस को हम फर्म की कुल संपत्ति, कुल पूंजी हम मान लेते हैं और उसी पूंजी के आधार पर फिर हम पूंजी का समायोजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कई बार किसी साझेदार से कोई राशि लेनी होती है तो किसी के हिस्से में वो ड्यू आती है अमाउंट, तो अलग अलग कंडीशंस में हम कैलकुलेशन अलग अलग टाइप से करते हैं और जो जनरल एंट्री होती है वो भी हम अलग अलग पास करते हैं। तो आइए पूंजी के समायोजन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। शिवम, शुभि और गोलू एक फर्म में साझेदार है जो 4:3:2 के अनुपात में लाभानि का विभाजन करते हैं। यहाँ फर्म का चिट्ठा दिया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि लेनदार
41,400 के हैं और इनकी कैपिटल है शिवम की 1,20,000, शुभि की 90,000 और गोलू की 60,000, यानी टोटल इनकी कैपिटल है 2,70,000। एसेट्स में यानी संपत्ति साइड में हम देख रहे हैं बैंक बैलेंस जो है वो 33,000 है, डेटर्स है 30,450 के, इसमें से बैड डेब्ट्स है 1,050, यानी एक्चुअल डेटर्स है 29,400 के। स्टॉक यानी स्कन दिया गया है 48,000, प्लांट 51,000 और बिल्डिंग 1,50,000। बैलेंस शीट का टोटल यहाँ हम देख रहे हैं 3,11,400 दिया गया है। समायोजन पर एक नजर डालें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भूमि और भवन को 10% से बढ़ाना है, डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है, यानी कि वहीं पर हमको उसको राइट ऑफ कर देना है, बंद कर देना है। स्टॉक को 20% बढ़ाना है। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 54,000 पर किया गया। शुभि का हिस्सा शिवम और गोलू पूंजी के अनुपात में समायोजित कर लेते हैं। शेष साझेदारों का भविष्य में अनुपात 2:1 होगा। नई पुनर्गठित फर्म में नई पूंजी साझेदार अपने नए अनुपात में रखेंगे, इसके लिए जितनी आवश्यकता होगी साझेदार पूंजी लाएंगे या ले जाएंगे। यहाँ हमें पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाते का निर्माण करना है, तो चलिए सबसे पहले हमको इसमें पुनर्मूल्यांकन खाते की जरूरत पड़ेगी। और पुनर्मूल्यांकन खाते के लिए हमको यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ हमें 3 पॉइंट दिखाई दे रहा है पुनर्मूल्यांकन खाते का। सबसे पहले तो यहाँ बोला गया है कि भूमि और भवन को 10% से बढ़ाना है, तो जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 10% बढ़ाना है, संपत्ति को बढ़ाना है, तो संपत्ति जब बढ़ती है तो वो हमारे लिए लाभ होता है, और क्योंकि ये लाभ है तो हमको इसको क्रेडिट साइड में लिखना है। अब कितनी अमाउंट लिखनी है ये प्रश्न आता है, तो यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ उतनी ही अमाउंट लिखनी है जितने की वृद्धि हुई है। जैसे कि यहाँ पर भूमि और भवन है 1,50,000, जिसे 10% बढ़ाना है, यानी कि ये 15,000 रुपए से बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में सिर्फ 15,000 रुपए की राशि की एंट्री ही करेंगे। तो हम पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट में लिखेंगे भूमि एवं भवन खाता को 15,000। दूसरी जो एंट्री हम देख रहे हैं यहाँ पर वो है डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है। ये इस पूरे प्रश्न में एक नया जो पॉइंट नया बिंदु निकल कर आया है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक नए पॉइंट के कारण जब परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं तो उन प्रश्नों को 99% तो हमसे वो बन रहे होते हैं, लेकिन एकाध जो पॉइंट होता है वो ऐसा आता है जिसके कारण हमको उस प्रश्न को छोड़ देना पड़ता है। प्रत्येक प्रश्न में ऐसा कोई नया पॉइंट आपको मिलेगा, जैसे कि इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि डूबत ऋण आयोजन को आगे नहीं ले जाना है, इसका अर्थ होता है कि वहीं पर उसको समाप्त कर देना है, वहीं पे उसको राइट ऑफ कर देना है। तो डूबत ऋण जो है एक प्रकार की हानि है हमारे लिए, और हानि को हम वहीं पे अगर समाप्त कर देते हैं तो वो हमारे लिए लाभ हो जाएगा, यानी हानि खत्म। 1,050 हमारा डूबने वाला था लेकिन वो वहीं पर समाप्त हो गया, तो इसे हम 1,050 को लाभ मानकर पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे डूबत ऋण खाता को 1,050। तीसरा हम देखते हैं कि स्टॉक के बारे में दिया गया है, यहाँ पे स्टॉक को 20% से बढ़ाना है। यहाँ प्रश्न में चिट्ठे में हम स्टॉक देख रहे हैं कि 48,000 का है, अब वो संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य को बढ़ाना है तो वो हमारे लिए लाभ है, और लाभ है इसलिए हम उसको पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड में लिखेंगे स्कंद खाता को, और अमाउंट हम इसमें लिखेंगे 48,000 का 20%। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केवल उतनी ही राशि की एंट्री हमको करनी है जितनी बढ़ रही है या जितनी घट रही है, तो क्योंकि 48,000 के 20% राशि बढ़ रही है यानी कि 9,600 बढ़ रही है, और केवल 9,600 को ही हमको यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समायोजन कोई कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम पुनर्मूल्यांकन खाते को क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के लिए हम देखते हैं डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्या है। तो यहाँ हम पुनर्मूल्यांकन खाते में देख रहे हैं कि डेबिट साइड में तो कुछ भी प्रविष्टि नहीं है, सिर्फ क्रेडिट साइड में प्रविष्टि है, तो हम क्रेडिट का टोटल करते हैं जो कि हमको 25,650 मिलता है। इस पूरे बैलेंस को हम ला लेंगे डेबिट में, कैपिटल में ट्रांसफर करना है क्योंकि हमको इसको आगे जाकर, तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे पूंजी खाता से, और ये जो शेष जो है वो पूंजी खाते में हम इसको ट्रांसफर करने के लिए ले जाएंगे। तो ये जो 25,650 है
इसे हम जो इनका पुराना अनुपात था प्रश्न में हमने जो देखा था 4:3:2 4:3:2 के अनुपात में बांट देंगे, तो शिवम को प्राप्त होगा 11,400, शुभि को 8,550 और गोलू को 5,700 रुपए प्राप्त होंगे। इस तरह से पुनर्मूल्यांकन खाता हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो शेष है उसको हम साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो जब हम साझेदारों का पूंजी खाता निर्माण करेंगे, यहाँ पर भी अगर हम साझेदारों के पूंजी खाते को प्रक्रियाबद्ध रूप से निर्मित करते हैं तो किसी पॉइंट के छूट जाने या गलत हो जाने की संभावना कम हो जाती है। तो अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो सबसे पहले हमको साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट साइड या डेबिट साइड डिपेंड करता है कि प्रश्न में कहाँ का बैलेंस दिया है। यहाँ पे अधिकतर जो होता है वो दायित्व साइड में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूंजी की राशि यहाँ पर लिखी हुई है, तो पूंजी को हम सबसे पहले जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां हम ट्रांसफर कर देते हैं क्रेडिट साइड में। शेष लाया गया जो कि शिवम के हिस्से में 1,20,000 है, शुभि के हिस्से में 90,000 और गोलू के हिस्से में 60,000 है। दूसरा जो हमारा स्टेप होता है हमको यहाँ पे देखना है कि जब हमने पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया तो वहां पर जो बैलेंस आ रहा है उसको हमको तुरंत के तुरंत साझेदारों के पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देना है। तो ये जो शेष आता है वो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुनर्मूल्यांकन खाता हमने बनाया है वहां पर शिवम के हिस्से में 11,400, शुभी के हिस्से में 8,550 और गोलू के हिस्से में 5,700 आया था। ये हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमको काम करना है हम जाएंगे ख्याति पर। तो ख्याति अगर हम फर्म के देखें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ख्याति का जो मूल्यांकन है वो 54,000 रुपए पर किया गया है। अब क्योंकि शुभि फर्म से रिटायर हो रही है तो उस 54,000 में शुभि का क्या हिस्सा है ये देखने के लिए हम जो 54,000 है उसमें से शुभि का हिस्सा निकाल लेंगे। मतलब 54,000 का 3/9 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो टोटल अमाउंट हमको प्राप्त होती है वो 18,000 हमको प्राप्त हो जाती है। अब पहले के प्रश्नों में भी हमने देखा था कि ये जो रिटायर होने वाले साझेदार के हिस्से की जो ख्याति होती है उसको हम किस तरह से एडजस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं शेष साझेदारों का पूंजी खाता डेबिट रिटायर होने वाले साझेदार के पूंजी खाता से। तो इसकी जब हम पंजी प्रविष्टि करेंगे तो हमारी एंट्री जो होगी वो साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट साइड में होगी शुभि के पूंजी खाता से। और क्योंकि शिवम को मिलना है 12,000 और गोलू को मिलना है 6,000 तो ये हम उसके हिस्से में लिख देंगे। अब क्योंकि हमको इसकी विपरीत प्रविष्टि भी करनी है जैसे हम पिछले प्रश्नों में करते आए हैं, तो और यहाँ पर जो जनरल एंट्री हो रही है वो मैं फिर से बता दे रही हूँ। शुभि का शिवम का पूंजी खाता डेबिट और गोलू का पूंजी खाता डेबिट शुभि के पूंजी खाता से। तो क्योंकि शुभि का पूंजी खाता यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में हम शिवम के पूंजी खाता को 12,000 और गोलू के पूंजी खाता को 6,000 इस तरह की एंट्री करेंगे। तो इसकी ख्याति तक की जो पूरी एंट्री थी वो कंप्लीट यहाँ पर हो गई। तो अब क्योंकि हमको कैपिटल एडजस्टमेंट करना है यानी पूंजी का समायोजन करना है जिसके लिए हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, नया टॉपिक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वर्किंग नोट तैयार कर लेंगे इसका। और हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्म की कुल पूंजी जो है वो कितनी है। तो जब हम शिवम के हिस्से की पूंजी कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हमने पूंजी खाते का निर्माण किया तो शिवम के हिस्से का क्रेडिट साइड अगर हम देखें तो 1,20,000 और 11,400 इस हिसाब से इसकी जो कैपिटल हो गई वो हो गई 1,31,400। और इसमें से अगर हम डेबिट बैलेंस को माइनस कर देते हैं यानी कि 12,000 हम यहाँ पे देख रहे हैं शिवम के हिस्से में डेबिट साइड में 12,000 बैलेंस है उसको जब हम माइनस कर देंगे तो इसकी जो कैपिटल आएगी वो आएगी 1,19,400। इसी तरह शुभि का जो कैपिटल हम देखते हैं कि शुभि का जो क्रेडिट टोटल है वो है 90,000 प्लस 8,550 प्लस 1200 प्लस 12,000 प्लस 6,000 यानी ये टोटल हो जाता है 1,16,550। और शुभि का अकाउंट जब हम डेबिट साइड में देखते हैं कैपिटल अकाउंट तो वो निल है, वहां पर डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी की पूरी अमाउंट 1,16,550 जो है वो शुभि के हिस्से की अमाउंट हो जाएगी, शुभि के हिस्से की कैपिटल हो जाएगी। अब गोलू का हिस्सा अगर हम देखते हैं तो गोलू के हिस्से के क्रेडिट साइड में
60,000 प्लस 5,700 है, यानी ये टोटल है 65,700। और डेबिट साइड का जो अमाउंट है वो अगर माइनस करते हैं तो 6,000 माइनस होने के बाद ये हो जाता है 59,700। तो कुल मिलाकर शिवम, शुभी और गोलू की कैपिटल को अगर हम टोटल करते हैं तो फर्म की टोटल कैपिटल हमको मिलती है 2,95,650। अब क्योंकि इस पूरे जो कैपिटल है इसमें से जो एक पार्टनर शुभी है वो तो रिटायर हो गई, अब जो पूंजी है इसमें जो हिस्सा मिलेगा वो शिवम और गोलू का होगा। तो शिवम और गोलू के हिस्से की जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि 2,95,650 में हम शिवम का हिस्सा निकालते हैं इंटू 2/3 करके 1,97,100 और गोलू का हिस्सा निकालते हैं इंटू 1/3 करके 98,550। यहाँ पर ये जो 2:1 रेशियो आया है इसको हमने जो पुराना अनुपात है 4:2 उसी के अनुपात में हमने यहाँ पर लिया है, जिसे हम शॉर्ट करके काट कर 2:2 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने शिवम और गोलू को जो 2:1 में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की है उसके बारे में प्रश्न में स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई थी कि शेष साझेदारों का भविष्य में अनुपात 2:1 होगा। तो इसी 2:1 के आधार पर हम यहाँ पर शिवम और गोलू का हिस्सा कैलकुलेट हमने किया है। अब क्योंकि शिवम और गोलू दोनों का बैलेंस हमको पता चल गया तो इस बैलेंस को हम इनके पूंजी खाते के डेबिट साइड में, क्योंकि बैलेंस आ रहा है तो डेबिट साइड में हम शिवम के हिस्से में 1,97,100 की एंट्री करेंगे और गोलू के हिस्से में 98,550 की इस तरह से हम एंट्री कर देते हैं। और अब जब हम देखते हैं कि अब जो इनका बैलेंस है वो कितना आता है तो हम देख रहे हैं कि शिवम का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस वो आता है 77,700 और गोलू का जो बैलेंस है वो आता है 38,850 जो कि उनको बाई कैश यानी रोकड़ खाता को लिखकर हम दे देंगे।